धीरे धीरे आके हवा गुनगुना के हर खबर दे तुम्हारी। स्किन केयर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। स्किन केयर करने के बाद आई वेटेड फॉर 10 टू 15 मिनट्स एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद मेकअप। फर्स्ट स्टेप इज प्राइमर। दिस इज अ पोर फिलिंग एंड मैटिफाइंग प्राइमर। वी हैव एक्सट्रीमली ऑयली टी जोन एरिया और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, जैसे मुंबई भोपाल सिटीज में तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो यू नीड अ गुड प्राइमर। आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, सो आई एम अप्लाइंग दिस ऑन माई टी जोन एरिया फर्स्ट एंड नाउ आई एम गोना वेट फॉर एटलीस्ट 1 मिनट ताकि ये सेटल हो जाए थोड़ा सा। और आप लोग देख सकते हो इंस्टेंटली उसने मेरे टी जोन को मैटिफाई कर दिया है, अच्छे से मेकअप बैठेगा मेरा। ओके, 1 से 2 मिनट हो चुका है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर, स्पेशली यहाँ पे जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन है। आई एम गोना ब्लेंड दिस विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स एंड नाउ आई एम गोना वेट फॉर एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स। जो प्रेपिंग का स्टेप होता है दैट इज अप्लाइंग प्राइमर एंड देन कलर करेक्टर, ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना रहता है उसको ताकि वो सेटल हो आपके फेस पे। उसके बाद जब आप फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई करते हो सिट्स वेल, लुक्स गुड एंड फाउंडेशन डज नॉट टर्न ऑरेंज। 1 से 2 मिनट हो चुका है। फॉर फाउंडेशन आई विल बी यूजिंग मेबेलिन लूमी मैट फाउंडेशन इन द शेड 330। आई एम गोना टेक 1 pump ऑफ दिस। ठीक है, दिस मच इज इनफ, दिस इज एक्चुअली लेस देन अ पंप। उसके साथ मैं मिक्स करने वाली हूँ स्मैश बॉक्स का हेलो टिंट, दिस इज इन द शेड मीडियम। ये दोनों को मिक्स करके जब मैं अप्लाई करती हूँ ना, इतना सुंदर कवरेज भी आता है और कम प्रोडक्ट लगता है। देखो मैंने इतना सा यूज किया है और गर्मी का टाइम है, हमको नहीं चाहिए कि मेकअप एकदम मेल्ट होना शुरू हो जाए, केकी केकी सा दिखना शुरू हो जाए। डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, लिप्स के आसपास, नोज पे, फोरहेड पे हल्का सा। ये वाला पार्ट मैं छोड़ देती हूँ बिकॉज माई फोरहेड इज डार्कर देन रेस्ट ऑफ माई फेस एंड देन नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कवर द नेक एरिया एज वेल। एंड देन I'm gonna start blending everything. I'm blending in circular motion और थोड़ा सा drag कर करके blend कर रही हूँ। और blend करने के बाद मैं set नहीं करूँगी because I'm gonna be doing my eyes. आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर coverage मिला है मुझे। This is very lightweight as well. Eyes के लिए सबसे पहले जो oily eyelid हो रहा है ना उसे set करने के लिए मैं कोई भी cream light color का eye shadow pick कर रही हूँ and then I'm gonna apply this all over my eyelid like that. उसके बाद आपको एक ऐसा काजल लेना है जो थोड़ा सा टाइम लेता है सेटल होने के लिए, जल्दी सेटल नहीं होता है वो। सो दिस इज बाय मेबेलिन विच आई एम यूजिंग। आई एम अप्लाइंग दिस वेरी क्लोज टू माय लैश लाइन। गड़बड़ हो जाए कोई बात नहीं, वी आर गोना स्मज दैट आउट। आई एम गोना यूज माय रिंग फिंगर एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग द एजेस। आई लुक इज सो सिंपल, काजल तो बहुत सारी लड़कियां लगाती है, बहुत ही सिंपल सा आई पैलेट तो होता ही है जिसमें न्यूट्रल टोन्स होते हैं या गोल्डन आई शेडो होता है या फिर हाईलाइटर भी होगा आपके पास, आप वो भी यूज कर सकते हो। उसके बाद टेक अ मैट ब्राउन आई शेडो कलर इन अ फ्लफी ब्रश, टैप ऑफ द एक्सेस एंड देन अप्लाई दैट ऑन योर क्रीज लाइन लाइक दैट। और यहाँ पे हल्का सा मैं फ्लिक आउट करती हूँ। अगर आपको फ्लिक वाला लुक पसंद नहीं ना तो आप सर्कुलर मोशन पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट मैं हल्का सा फ्लिक आउट करना पसंद करती हूँ। एंड देन आई एम गोना टेक अ मेटालिक गोल्ड आई शैडो। दिस इज वन ऑफ द प्रीटीएस्ट गोल्ड आई शैडो दैट आई ओन। इट लुक्स सो स्टनिंग, जस्ट लुक एट दैट, रियली मैचेस वेल विथ माई आउटफिट ऑल्सो। सो रिंग फिंगर में पिक कर रही हूँ, ढेर सारा पिक किया है मैंने एंड देन यू गोना टैप ऑन द सेंटर। जो हमने स्मोक आउट किया था ना आईज को, दैट इज गोना एक्ट एज अ बेस और ये गोल्ड और अच्छे से निखर के आएगा हमारी आईज पे। और इनर कॉर्नर पे हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ मैं लाइक दैट। आई एम बेसिकली कवरिंग द एंटायर आईलिड। उसके बाद एक छोटे से ब्रश में आई एम गोना पिक दिस ब्राउन आई शेडो जो मैंने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था, मिक्सिंग दैट विद दिस आई शेडो जो कि कूल टोन ब्राउन आई शेडो है, टैपिंग ऑफ द एक्सेस एंड गोइंग टू अप्लाई दिस राइट हियर ऑन द आउटर कॉर्नर। और क्रीज लाइन पे हल्का सा ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर इनर कॉर्नर पे भी मैं हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ राइट हियर, रिपीटिंग दैट सेम स्टेप अगेन। एक चीज जो मैंने मेकअप के बारे में सीखी है दैट इट हैज़ नो रूल व्हाट्सोएवर, इवन आई मेकअप हैज़ नो रूल। जितना भी मेकअप मुझे आता है आई हैव लर्नड वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज, इट्स मोर लाइक अ हिट एंड ट्राई ऑल्सो। अब सेम काजल एज आई लाइनर भी अप्लाई कर दिया वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन। फिर एक छोटा सा पेंसिल ब्रश लिया, एक ब्लैक आई शेडो पिक किया मैंने, टैपिंग ऑफ द एक्सेस एंड जस्ट टैप ऑफ द एज ऑफ दिस आई लाइनर। You're kind of locking this eyeliner ताकि ये ऐसा का ऐसा रहे और यहाँ पे ना ट्रांसफर हो जाए। I'm gonna take this golden eyeshadow once again and just tap it on the center of my eyelid ताकि ये सेंटर ज़्यादा शाइन करे। Just look at that, it looks so stunning. जहाँ जहाँ golden eyeshadow लग गया था ना वहाँ वहाँ मैं ब्लैक से कवर कर रही हूँ एंड मेकिंग श्योर कि दोनों आईज इवन दिख रहे हैं मेरे। नेक्स्ट आई एम यूजिंग द सेम काजल एंड टाइट लाइनिंग माई लोअर लैश लाइन। फिर मैं लोअर लैश बैंड पे भी अप्लाई कर रही हूँ। I'm gonna smudge this out. Again, I'm using this particular kajal क्योंकि ये अच्छे से स्मोक आउट हो जाता है, स्मज आउट कर सकते हो आप इसको। टेकिंग अ फ्लैट छोटा सा स्मजर ब्रश, I'm going to smudge this out. I'm making it thick and nice, covering this part अच्छे से।
I've seen Kareena rocking this thick, lower, smudged out kajal look, and that is kind of my inspiration also. Because a chotu sa smudger brush hai jiski madad se main yahan pe eyeshadow apply kar rahi thi. Picking that brown eyeshadow, mixing this with this color, tapping off the excess, and I'm gonna apply this on my lower lash line. I know it looks very dangerous right now. Trust the process, guys. Let me do this eye. I'll be right back. Okay, the other eye is done. I know I look like a panda right now, but please trust the process. Ab main use karungi concealer. This is Maybelline Age Rewind concealer in the shade Caramel. Yahan inner corner pe, outer corner pe, aur halka sa yahan pe bhi. I'm using another shade of concealer. This is PAC concealer in the shade Birthday Suit. This is to highlight the under eye area. And now we blend everything. Jahan tak maine smoke out kiya tha lower lashes ko, wahan tak blend kar rahi hu main. Try not to move the product too much. स्मोकी आई लुक पहले करके बाद में कंसीलर अप्लाई करने से क्या होता है, यू गेट अ स्कोप ऑफ क्लीनिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट यू माइट हैव डन. ये वाला लोअर लैश लाइन हल्का सा पतला हो गया है एज कम्पेयर टू दिस वन, एंड वी विल इवन दैट आउट जब हम लोग दोबारा उसको स्मोक आउट करेंगे. अभी मैं लिक्विड ब्लश अप्लाई कर रही हूँ. जितने भी लिक्विड क्रीम प्रोडक्ट्स है वो मैं पहले अप्लाई कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने फेस को सेट करूंगी. सो आई लव दिस ब्लश. दिस इज डोई ब्लश बाय PAC एक्सारा कलेक्शन. दिस इज द शेड फज मी नॉट. नोज पे अप्लाई कर दिया एंड यहाँ हल्का सा चिन पे. एंड नाउ वी ब्लेंड. Look how beautifully this blends. So मैं chiseled look के लिए ऊपर की तरफ blush को blend कर रही हूँ, on the nose as well. Good thing about this blush is that कि आपको थोड़ा सा समय भी देता है, बहुत जल्दी settle नहीं हो जाता है. So there is no scope of this blush looking patchy on your skin, which I hate when blushes do that. Okay, now I'm gonna set my face. So set करने से पहले I'm gonna go over my concealer brush like that to avoid any creasing. Then I'm gonna take my powder puff, picking up my compact powder, tapping off the excess in the back of my hand. And just pressing it like that, and then rest of the face dab dab करके nose के आसपास अच्छे से. हाँ, do not forget the neck area. For some reason the camera is not capturing the blush, but it is visible. Okay, set करने के बाद in real life. फिर वही दो matte eyeshadow लेके I'm gonna tap off the excess and smudge out my lower lash line once again. अब आप बोलोगे शालिनी इसको दो बार क्यों कर रही हो, एक बार already कर चुकी थी और वो सब मिट गया when you were applying concealer. That I did to avoid bleeding of the kajal. अगर मैं वो नहीं करती ना तो बहुत सारा काजल नीचे तक फैल जाता और वो कंसीलर के साथ मिक्स हो जाता और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. दैट्स वाई दैट स्टेप वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स डू माई आईब्रोज. फर्स्ट आई एम गोना कॉम थ्रू माई आईब्रोज एंड फिल अप द स्पार्श एरिया. तो यहाँ हल्का हल्का स्ट्रोक देके मैं फिल कर रही हूँ, ठीक है. एंड यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देके जब मैं अपने आईब्रोज को शेप कर रही थी ना अभी रिसेंटली, तो यहाँ पे गलती से मैंने ज़्यादा शेप कर दिया, तो वहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देना पड़ रहा है मुझे क्योंकि बाल गायब हो गए. एंड देन वी ब्लेंड एवरीथिंग बाई कॉमिंग दैम. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कर्ल माई आई लैशेज. दे डू मेक अ ह्यूज डिफरेंस. And now I'm going to apply lots of waterproof mascara. Just going to wiggle through them. Not going to apply any falsies. But यही वाला coat अच्छे से कर दूंगी मैं. यहाँ पे lower lashes पे भी अच्छे से mascara apply कर रही हूँ. इसी mascara wand की मदद से मैं अपने eyebrows को भी set कर रही हूँ हल्का हल्का. यहाँ पे मुझे एक pimple होने वाला है जो कि अब red हो चुका है. But it's okay. I always like to tightline my inner corner with the kajal. This just adds such beautiful oomph factor to the look. Using this bronzer powder, I'm going to contour my face now. जब मैंने blush apply किया था उसके नीचे I'm going to contour right there, going back and forth couple of times. I'm going to contour my jawline as well, little bit on the forehead area. Doing the exact same thing on this side as well. Going to contour the jawline. फिर उसी brush को pinch करके I'm going to contour my nose as well. बस हल्का हल्का सा shadow दिखाना है मुझे. Of course, I'm going to add a layer of a powder blush. So picking some, tapping off the excess, and just apply that right here. ठीक है, pulling it upwards, doing the exact same thing on this side of my face, on my nose as well, and little bit on my chin. Going to set my entire face now, and you're going to fan your face. This is lip balm, and I'm gonna wear a nude brown lip color on my lips. This is gonna match with my eyeshadow, also with my blush. Whenever you get confused what lip color to choose for your eye look and makeup, always try to match that with the crease color of your eyeshadow and the blush color. वैसा undertone pick करोगे ना, so you will never ever go wrong. Lipstick को सूखने में थोड़ा सा time है, तब तक मैं अपनी jewelry पहन लेती हूँ. ये वाले चांद बालियाँ मैंने AGS भोपाल से लिए थे. They are so stunning. थोड़े से heavy side में है ये. And I also got this pretty nose ring, so I'm gonna wear this as well. और जी नहीं, मैं हाइलाइटर अप्लाई करना नहीं भूली हूँ. पिकिंग सम हाइलाइटर, टैपिंग ऑफ द एक्सेस राइट हियर, आल्सो ऑन दिस साइड,
bridge of my nose, on the eyebrow arc area as well. Not gonna highlight the inner corner today. So this is the complete look. It's so apt for Eid and upcoming wedding season as well. Base ko maine kafi lightweight rakha hai yahan pe aur eyes mein maine glitter shimmer add kiya hai. But aap chaho to usko exclude kar sakte ho. Bina uske bhi bahut khoobsurat sa smoky eye aap create kar sakte ho. Aaj humne kuch naye tips aur tricks bhi seekhe makeup se related. Main umeed karti hu ki aapko aaj ka ye video kafi pasand aaya hoga, helpful laga hoga. Agar pasand aaya then do not forget to subscribe to my channel if you haven't already. Eid Mubarak to everyone who is celebrating this year. I love you guys so much. मैं आपसे फिर मिलूंगी. बाय.